हो, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ ऋषिकेश में और केदारनाथ से मैं ऋषिकेश में आ गया था। फिर एक दिन स्टे किया मैंने शिवशक्ति हॉस्टल में, उसके बाद मैं काउंसलर पेपर कर चला और काउंसलर पेपर एक्सेप्ट होने के बाद मुझे ओवैक्स होटल में एंट्री मिल गई और ओवैक्स होटल के जो ऑनर है उन्होंने मेरे को काउंसलर पेपर का एक्सेप्ट करने के बाद मेरे को स्टे दे दिया है। अभी मेरे को जाना है नीलकंठ और नीर वाटरफॉल और भी एक जो जगह जो स्टेशन है वो यहाँ पास है, तो मैं अभी स्कूटी रेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर कृष्णा हॉलीडे है बाइक रेंट, तो वहीं से मैं अभी कर रहा हूँ स्कूटी रेंट का। यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, लाइसेंस मांगा, ड्राइविंग लाइसेंस है और आधार कार्ड वो आपको जमा कर लेंगे और सिक्योरिटी है जो उनने 1500 रुपये लिए हमसे स्कूटी की, डैमेज का हमें देना पड़ेगा जो भी डैमेज करेंगे हम लोग स्कूटी, और 500 रुपये उसका रेंट है। हमको शाम को 8 बजे से पहले स्कूटी रिटर्न करनी है, मगर हम लोग को लेट होगा यार काफ़ी ज़्यादा, 12 तो बज चुके हैं यार, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मगर अब ले रहे हैं यार। ठीक है, 400 रुपये का पेट्रोल भी डलवा लेंगे उसमें, 400-500 रुपये का उतना ही ठीक है यार। और बाकी मेरे नीचे स्कूटी की जो भी काम करना है वो कर लेते हैं, फटाखने वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है और कोई डैमेज होता है तो हमसे नहीं लेता तुरंत ही, तो अभी मैं जल्दी से अंदर का काम करता हूँ उसके बाद आपसे। तो भाई अभी इनका जो गैरेज है ना वहाँ पे जा रहे हैं हम स्कूटी को लेने, क्योंकि इनकी जो शॉप है ना वहाँ पे बड़ी बात, अभी वहीं पे लेने आ रहे हैं भैया। भैया आपका क्या है उसका नाम, कृष्णा हॉलीडे, जब भी आना ना वहीं से बुक कर लेना यार, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा आपको। तो भाई अभी अपनी स्कूटी ले लिया, वो खड़ी है स्कूटी, अभी उसकी वीडियो बना लिया, भैया गैरेज में आ गए थे, ये सारी वीडियो मतलब सारी गाड़ियाँ ना यहाँ पर खड़ी होती है भैया की, तो वहीं पर आ गए हैं अभी। वो गाड़ी थोड़ी चलने में थोड़ा स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, खड़ी बिना सी है, तो अभी भैया वो स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को, उसके बाद वो हमको दे देंगे। और यहाँ से 500 मीटर बाद ना रामदुल्ला की तरफ पेट्रोल पम्प है, तो हम पेट्रोल पम्प की तरफ जाएंगे, वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे और उसके बाद इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं ना, ये रही हमारी स्कूटी भाई, ये वाली स्कूटी ली है अभी। तो अभी ना भाई हमने नीट वाटरफॉल के पास पहुँच गया, पीछे देख रहे ना वाटरफॉल है, इसके पास थोड़ा हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में जो वाटरफॉल है ना वहाँ पर पहुँच जाएंगे अभी। अरे वो टूरिस्ट लग रहा है मेरे को यहाँ पे है, वरना इतने टूरिस्ट नहीं है अपने, हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी ने पार्क कर दी है, अभी ऊपर जाएंगे हम नीट वाटरफॉल की तरफ। वो अगर ट्रैक है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ ट्रैक करने। पानी तो है यार अच्छा खासा, क्योंकि पानी इसलिए है क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना, बारिश में पानी अच्छा खासा होता है यार। तो साउंड थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, वो साउंड में ना बहुत ज़्यादा पानी है ना वाटरफॉल का, इसलिए आपको साउंड क्लियर नहीं आ रहा होगा यार। मगर ये यार मेरी सीढ़ियाँ आ गई यार फिर से, जो मेरी ना यार डेंजरस है यार सबसे ज़्यादा, मेरे को बहुत दिक्कत होती है सीढ़ियों से, और मैं आपको पता ही है ना अभी बाबा के धाम से आ रहा हूँ तो वहाँ पे और दिक्कत है यार। तो वही अभी ना इस रास्ते से हम लोग आए हैं ऊपर, और वो नीचे देख रहे हैं ना वहाँ पे वाटरफॉल का है सोर्स थोड़ा सा, और ये भी है, मगर अभी हमने इस वाली रास्ते से ना ऊपर की ओर जाएंगे यार, यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा यार थोड़ा सा अभी ना यार, नीचे मेरे को मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी यार, अनकम्फर्टेबल लगा था अच्छे लगा फैमिली से, तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद ना कुछ अच्छा व्यू है, तो सोच रहा हूँ पहले व्यू पे जाके आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि आप लोगों ने नीचे का ही वाटरफॉल देखा होगा आज तक, देखा होगा तो वीडियो में, ऊपर का आज तक आपने देखा नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाऊँ और ऊपर थोड़ा नहाऊँगा आऊँगा, और लोग ना ऊपर बहुत कम आते हैं, सारे लोग नीचे ज़्यादातर रहते हैं क्योंकि नीचे इतना कोई ट्रैक पड़ता नहीं है, इसलिए अभी मेरा प्लान है कि यार मैं नीचे तो नहीं नहाऊँगा, मैं ऊपर ही जाके नहाऊँगा, और यार थोड़ा यार सांस भी चलने लगी यार, मैं केदारनाथ बाबा का ट्रैक करके आया ना इसलिए, तो अभी का प्लान यही है कि ऊपर जाके नहाऊँगा और ऊपर देखता हूँ कितना चढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ यार नील वाटरफॉल में, मगर अभी तक मैं भी ऊपर नहीं गया हूँ यार आज तक, तो आज मैं भी फाइनली ऊपर जाकर देखूंगा कैसा व्यू है। मैंने यहाँ पहले भी मैं आया था 2-3 बार, तो बहुत सारे लोग ना ऊपर जाते थे, तो मैं सोचता था यार ऊपर क्या है ऐसा, मगर ऊपर अब पता चल रहा है कि ऊपर ही वाटरफॉल है जहाँ से वाटरफॉल एक्चुअल में आ रहा है, तो मैं वहीं पर जाने की सोच रहा हूँ। और यार ये ट्रैक तो बना रखा है यार, मगर ये रास्ता ना ख़राब हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा किधर को जाना है, ये वाला कि ये वाला, मैं भी कन्फ्यूज हो गया यार इस वाले जाना है कि इस वाले भी जाना, मगर दोनों रास्ते ना ऊपर जाके मिल जाएंगे, मगर इजी कौन सा है वो देख के ना मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम आ गए हैं नीट वाटरफॉल से, जो सबसे लास्ट पॉइंट है ना वहाँ पे, जो लास्ट पॉइंट है ना वो जो आपको झरना दिख रहा होगा ना हल्का हल्का सा, ब्राइटनेस थोड़ा तेज हो रहा है, जहाँ पे लोग नहा रहे हैं ना वही है लास्ट पॉइंट। इसके ऊपर जो है ना वो सारा कैंप साइड है, तो वहाँ पर कैंपिंग करते हैं लोग, कैंप है वहाँ पर लोगों ने लगा रखे, ये वाला रास्ता जाता है कैंपिंग की ओर। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर, थोड़ा बात करूँगा यार, थोड़ा नहाऊँगा यहाँ पर,
नहाने के बाद यार थोड़ा फ्रेशनेस हुआ, क्योंकि यार मैं बहुत दिनों से अच्छे से नहा भी नहीं पाया यार। केदारनाथ में भी मैं 2 दिन रुका, बट 1 ही दिन नहा पाया यार, तो इसलिए मेरे को भी नहाना है यार। उसके बाद मैं सोचता हूँ मेरे आगे क्या कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि फॉरेस्ट कैंप, यहाँ पे फॉरेस्ट कैंपिंग भी होती है यार, तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो यहाँ पे कैंप करूँगा। और हो सकता है तो अगर मेरा कुछ प्लान हुआ तो मैं आज शायद यहाँ पे कैंपिंग कर लूँगा, अगर देख लूँगा ऊपर जाके जैसा ठीक रहेगा ना वैसा कैंप कर लूँगा मैं यार। एनी वेज गाइज, आपको ना यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीट वाटरफॉल पे जाना पड़ेगा। नीट वाटरफॉल ना आपको ऋषिकेश से 8 किलोमीटर है, जो कि रामझूला से 8 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद नीर वाटरफॉल से ऊपर भी आपको ना 500 मीटर चढ़ना पड़ेगा, जो कि लास्ट पॉइंट है यहाँ का झरने का, तो यार काफ़ी अच्छा है। मगर एक्चुअली यहाँ पे लोग पता क्यों आते हैं, यहाँ पे पीसफुल जगह है, मतलब शांति बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत कम क्राउड है यहाँ पे, नीचे बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि ऊपर इतने लोगों को पता भी नहीं है, तो इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा आना पसंद करते हैं। और आज फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेता हूँ कैसा नहाने का एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी यार ठीक ठाक ही है यार माहौल, तो यार लोग भी ऐसे है, 15-20 लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। मगर नीचे तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा क्राउड है नीचे, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है ना, रेनी सीजन में ना लोग ज़्यादा आते हैं वाटरफॉल में, वाटरफॉल भी बहुत अच्छा दिखने लगता है रेनी सीजन में, तो यही रीज़न है कि हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। और वाटरफॉल तो यार मैंने काफ़ी देखे यार केदारनाथ में, और केदारनाथ वाली वीडियो में सीरीज में आपने देख भी लिया होगा कि कितने सारे वाटरफॉल वहाँ पे होते हैं, तो इसीलिए आज मैं भी यहीं पे आया, क्योंकि मैं ऋषिकेश में मेरा 1-2 दिन का हॉल्ट है यहाँ पे। मैंने आज स्कूटी रेंट पे ली, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी, स्कूटी रेंट करेंगे। आज यहाँ से हम लोग जाएंगे नीलकंठ हो सका तो जाएंगे, वरना पटना वाटरफॉल भी जा सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं है कुछ कहाँ जाना है हमको, तो अभी मैं जल्दी से बात करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। भाई ना अभी मैं तो आके बैठ गया, थोड़ा सा नहाने के बाद ना मैं तो बैठ गया आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा है पानी का सोर्स ना, बहुत ज़्यादा है आपसे ज़्यादा, और आवाज़ भी ना आपको क्लियर नहीं आ रही होगी इतनी अच्छी से, तो भाई ऐसा सिस्टम है। अभी तो यार नहाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा है, जितना शरीर का मैल था ना मेरा मैंने सारा उतार दिया यार, बहुत ज़्यादा मैल हो गया था मेरे शरीर में, काले काले से धब्बे से पड़ने लगे थे, क्योंकि मैं नहाया था 2-3 से, और मेरे को ना पसीना बहुत ज़्यादा आने लगा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी यार मेरे को। अभी फिलहाल मेरे को ना कुछ फ्रेशनेस का महसूस हो रहा है यार, और क्राउड की बात करूँ ना तो क्राउड ठीक ठाक है यार, यहाँ पे इतना भी नहीं है, मगर मुझे लग रहा है थोड़ी देर में यहाँ पे सारे चले जाएंगे, हम भी लोग रह जाएंगे, तो मैं तो यार यहाँ पे रहूँगा यार, थोड़ी आराम से बैठूँगा यार, मज़े करूँगा यार यहाँ पे चिल, क्योंकि ना यार रोज़ रोज़ तो मानेंगे नहीं यार यहाँ पे। और यार भाई की तुम्हारे ना थोड़ी बहुत बॉडी बनने वाली है यार, और अब बहुत खतरनाक सी धूप आई है यार, अब देखो यार ये वाटरफॉल का नज़ारा ना अच्छा था यार, वाटरफॉल तो यार मज़ा आ रहा है यार नाम तो है। बाकी बहुत लोग चिल भी कर रहे हैं यार यहाँ पे आके यार, मज़े तो है भाई पहाड़ों पे, मज़े तो है यार, ये तो बोलेंगे यार। अगर आप भी कभी ना ये वीडियो उत्तराखंड से देख रहे हो ना, उत्तराखंड या यूपी से और बरेली से देख रहे हो ना खासकर की, तो आप लोग आओ यार यहाँ पे एक बार विजिट करो यार। नीर वाटरफॉल पे आना है, मगर उससे ऊपर आना है 500 मीटर तभी आपको ऐसा व्यू मिलेगा, और मैंने ऑलरेडी आपको बताई दिया कि इससे ऊपर जो है वो कैंप की साइड है, वहाँ पे कैंपिंग होती है यार। तो भाई अभी मैं वाटरफॉल में ना नहा लिया, अच्छे से नहा लिया, और ये रहा भाई वाटरफॉल, अब ब्राइटनेस तो ठीक भी आ रही होगी, क्योंकि ये रहा पटना, ये रहा नीर वाटरफॉल, जो कि जो एंट्री पॉइंट है ना यही है, सबसे ऊंचाई पर है, इसके ऊपर ना नीर विलेज है जहाँ पे कैंपिंग भी होती है। मैं यहाँ पे एक अंकल जी थे उनसे बात की थी, तो वो बोल रहे हैं आप कैंपिंग कर सकते हो ऊपर जाके आपको, मगर वो हमारी ज़मीन है गाँव वालों की, तो आपको ना वहाँ पे 200 या 300 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप अपना टेंट लगाओगे तो। अगर आप हमारे टेंट में सोते हो तो हम 1 दिन का 1200 रुपये लेते हैं, जिसमें 3 टाइम का ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कराते हैं, और कुछ एक्टिविटी कराते हैं वहीं पर वो अपने गाँव में। तो मैंने उनसे अपने लिए पूछा कि मैं अंकल अपना कैंप लगा सकता हूँ, तो बोले कि आपको 300 रुपये करने पड़ेंगे, आप हमारी प्रॉपर्टी में लगा सकते हो। और मैंने कहा चार्जिंग वार्जिंग का, तो बोले चार्जिंग भी हम करवा देंगे, आपके मोबाइल वोबाइल चार्ज करवा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, मैं मैंशन कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एनी वेज गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमारी स्कूटी नीचे पार्क है, उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा हंगरी हूँ यार, भूख लग रही है, तो अभी जाके पहले मैं कुछ खाऊँगा, पहले मैं यहाँ से स्कूटी पिक करूँगा, देन मैं नीचे जाऊँगा ऋषिकेश, और ऋषिकेश में कुछ खाऊँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो अभी तक तो यार यही है, अभी नीचे जाके आपसे मिलता हूँ मैं। तो भाई अभी ना मैं नीचे जा रहा हूँ यार,
ऊपर से नीचे और देख रहे हो कैसा फॉरेस्ट वाला एरिया है, पूरा ये जंगल ही जंगल है, यहाँ पे जानवरों का भी खतरा हो सकता है। बिना गाइस रेनी सीजन चल रहा है इसलिए क्या पता यहाँ पे सांप बाप भी निकल सकते हैं, और भी यार वो जोक आती है ना वो भी निकल सकती है यार, उससे ना मेरे को यार बहुत डर लगता है। वो ना मेरे को नैनीताल में, अगर आपने नैना पीक वाली अगर वीडियो देखी होगी ना, उसमें मैंने मेंशन कर रखा है, वो यार मेरे इतना काटी थी ना, कम से कम 15-20 जोकों ने मेरा मुझे काट लिया था यार, और मैं ना परेशान हो गया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा। अभी तो ठीक है यार, यहाँ पर तो मुझे एक भी जोक नहीं मिली। फिलहाल देख रहे हो ना पीछे वाला रास्ता कैसा हो रखा है, अभी तो यार ठीक है, नेचर तो ठीक ही है यार, मज़ा आया है। आप देख रहे हो आप कितनी ग्रीनरी है यार, अभी माउंटेन्स में यही तो है ना, अभी ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है माउंटेन्स में, तो ठीक ठाक ही का मौसम है यार। अभी मैं तो चल रहा हूँ भाई नीचे यार, और यार अभी ना बारिश का मौसम भी आने लग रहा है यार, ऐसा हल्की हल्की बूंदें भी गिरने लग रही हैं, तो अभी मैं नीचे जाता हूँ जल्दी से, ठीक है। अभी ना जब नीर वाटरफॉल जाते हैं ना हम लोग, तो यार रास्ते में चेक पॉइंट पड़ता है, तो अभी ना गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है चेक पॉइंट का, 2 महीने के लिए गवर्नमेंट बंद कर देती है, सावन का महीना आता है ना तो गवर्नमेंट बंद कर देती है। यहाँ पे स्लिप मिलती है आपको, जब भी आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको स्लिप मिलेगी यहाँ पे, मगर अभी ये लोग कोई स्लिप नहीं दे रहे हैं यार, तो ये गवर्नमेंट के उससे है यार। अभी ना यहाँ पे जब हम ऊपर जाते हैं 30 रुपये की पर्ची काटते हैं, फॉरनरों के लिए 50 रुपये की है, मगर 2 महीने गवर्नमेंट बंद कर देती है, ये लोग कोई स्लिप नहीं देंगे आपको। अब ये तो पता नहीं गवर्नमेंट को जा रहा है पैसा ये कहाँ जा रहा है, बट मेरे को मैं श्योर नहीं हूँ कहाँ पे जा रहा है। यही चेक पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग पर्ची मत कटवाना जब भी कभी आओ यहाँ पे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने टोटली बंद कर रखा है ये सारा, पता नहीं किस चीज़ के पैसे ले रहा है, यहाँ पे फर्जी के पैसे ले रहा है या किस काम के ले रहा है, मगर यहाँ पे अभी पैसे आप 2 महीने नहीं दे सकते, जून और जुलाई में आपको पैसे नहीं देने होते हैं यहाँ पे, तो ये बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे पैसे मत दे आप। मैं उससे बात किया तो वो मेरे को समझा रहा है कि आपको क्या टेंशन हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। मैं उससे बोला मेरे को पैसे वापस नहीं चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है ना, यहाँ पे अभी क्यों काट रहे हो आप, किस बात के लिए काट रहे हो आप पर्ची, तो आपने ना यहाँ पे पैसे नहीं देने 30 रुपये, या फिर 30 रुपये जब आपसे ये मांगे ना तो इनसे सीधे सीधे बोलना कि मेरे को पर्ची चाहिए, अगर ये पर्ची देंगे ना आपको तभी आप इनको 30 रुपये देना, वरना 30 रुपये मत देना, क्योंकि गवर्नमेंट ने टोटली बंद कर रखा है अभी, तो ये बात का ध्यान रखना भाई, पता नहीं किस चीज़ का। अभी मैं यार इसे उत्तराखंड टूरिज्म में भी डालूंगा ये मेल, कि ये किस बात के पैसे मांग रहे हैं हमसे। उत्तराखंड टूरिज्म को मैं मेल करूँगा अभी, उत्तराखंड टूरिज्म को मेल करूँगा अभी मैं, ठीक है। जो वो चेक पॉइंट वाला सिस्टम था ना वो मैंने क्लियर कर दिया था, वहाँ पे ना मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गया था, और वहाँ के जो अधिकारी था ना मेन अधिकारी, मैं उससे बात किया कि सर ऐसा ऐसा कर रहा है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने सारा सॉर्टेज कर दिया था। वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि उन सर ने ना मना कर दिया था कि वहाँ पे यार प्लीज़ वीडियो मत बनाओ क्योंकि ये टूरिज्म के लिए ख़राब है। उसके बाद भी ना मैं नहीं माना, मैंने ना DM को मेल कर दिया, एक यहाँ के जो उत्तराखंड के ऋषिकेश में DM है ना, उसको भी मेल कर दिया, उसको कॉल भी किया था मैंने, DM के जो PA होते हैं ना असिस्टेंट, उसको भी कॉल करके ना मैंने बोल दिया था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी थी ऑनलाइन ही, और मेरे को ना भेज भी दी थी मेल पे कि आप ना मेल बताइए, मैं आपको अपनी आपकी कंप्लेंट भेज देता हूँ। और अभी ना मैं उबैक्स होटल में हूँ, यहाँ पे स्टे लिया है मैंने, जैसा कि आपको पता है जो होटल का ऑनर है उन्होंने मेरे को फ्री स्टे दिया है, तो अच्छा लग रहा है यार काफ़ी यार। अभी ना ये वीडियो ना सुबह शूट हो रही है, क्योंकि ना यार कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, कल बारिश भी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, अभी का व्यू ना ऐसा हो रखा है कुछ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यार अभी भी। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नया आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।